बस ये आज क्या हुआ मुझे समझ नहीं आई, हम तो जीत गए थे यार, अब 5:30 बज के मैं कैसे सोऊंगा, आप लोग मुझे बता दे मैं कैसे सोऊंगा, इस तरह के मैच के बाद कैसे नींद आएगी, कोई नींद की गोली खाऊं, कोई क्या कोई अपने ऊपर दुआएं पढ़ के फूकूं, को पानी पीऊं, मैं करूं, मैं क्या करूं यार। अक्टूबर 2022 मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। 2 महीने से हर पाकिस्तानी इंडियन की जुबान पर एक ही चीज 23 अक्टूबर, हर कोई घर में एक ही बात कर रहा है 23 अक्टूबर। वेदर फोरकास्ट, अपने रिजल्ट की कभी इतनी टेंशन नहीं ली जितनी मेलबर्न के मौसम की ली, अपने पाकिस्तान लाहौर में कभी मैंने वेदर फोरकास्ट नहीं देखा, लेकिन 2 महीनों से मेलबर्न का वेदर बारिश ना हो, दुआएं हो रही है सुबह शाम रात, मेलबर्न बारिश ना हो, बारिश ना हो। फिर भाई मैं लंदन तक अपना मास्टर्स कर रहा था, वीजा लगेगा नहीं लगेगा, वीजा अप्लाई किया, वीजा अप्लाई करके दुआएं हो रही है वीजा लग जाए, कर लग जाए, लग जाए, इतनी हाइप, इतनी सोशल इमोशनल मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट कर करा के वीजा लग गया। हम 32 घंटे का सफर करके शिपैक मेलबर्न पहुंचे, मेलबर्न पहुंच गए फुल एक्साइटेड के हाला लाला, हैवी मैच हो जाना है भाई, मतलब मैं चाहता था कि अच्छा मैच हो, एक वन साइडेड फेयर ना हो, लेकिन हुआ क्या उस पर बात करते हैं भाई। आए हैं काले बादल नजर आ रहे हैं, मैं परेशान, मैं क्या काले बादल ना हो, कर करा के आज सुबह उठ गए, अब हम सोच रहे जी चलो जी स्टेडियम हम पहुंच गए। पाकिस्तान के बॉयज ने बैटिंग शुरू कर दी, जिनसे उम्मीद थी सबसे ज्यादा बाबर रिजवान वो आउट हो गए। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, हमारे पास मिडिल ऑर्डर है, कोई ना कोई गेम संभाल लेंगे। मिडिल ऑर्डर में भाई शान मसूद ने भी अच्छी इनिंग्स खेली, वेरी गुड। इफ्ती चाचा ने तो कमाल कर दिया, पूरे स्टेडियम में मॉल ही एक बार चेंज कर दिया यार, हम लोगों का बैक टू बैक छक्के उन्होंने मारे, मैं क्या हाला लाला गेम वापस आ गई। उसके बाद फिर हमारा एकदम डाउनफॉल हो गया, लेकिन कर करा के 160 का अपने रन्स कर लिया, विच इज नॉट बैड। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 3-4 किलोमीटर की बाउंड्री है, इफ्ती चाचा को लो लग गए और किसी को लो नहीं लगने। खैर मुझे क्या पता था कि आगे हमारे साथ इंडियन बैट्समैन ने क्या करना। 160 हो गया, मैं बिल्कुल घबराया नहीं, मैंने कहा बॉलिंग अटैक फिट है, शाहीन वापस फॉर्म में आ गया, शाहीन ने गेम उठा देनी है। बॉयज ने बॉलिंग कराई, वेरी गुड बाबा जी, 31 for 4, 31 रन पे इंडिया की 4 विकेट डाउन में आ गया यार, गेम तो वापस आ गया, ये हमने जीत जाना, आज रात पार्टी होगी। उसके बाद जो 31 पे 4 आउट हुए हैं, उसके बाद तो समझ ही नहीं आई क्या हुआ। उससे पहले वो क्रीज पे लड़का आ गया, उसको सिक्योरिटी वालों ने जफ्फी डाल दी, मैं क्या मुझे लगता है ऐसे वो ग्राउंड पे लड़का नहीं आ गया था, मैं कहा ये पक्का कोई 30 डंडे करने आ गया पता नहीं क्या, वो आया उसके बाद हमारी विकेट गिर गई। खैर 31 for 4 के बाद तो यार कोई समझ ही नहीं आई, कोहली भाई मतलब जिस तरह अफतारी के टाइम पे रोटी नहीं खाते मेरे को दोस्त, वो तो लगे गए 31 से 50 फिर 60 फिर 70 फिर 80, इंडिया का 100 करते कराते फिर मैच आखिरी 5 ओवरों में आके फंस गया। मैंने कहा भाई ये तो फिर हम जीत सकते हैं, स्टेडियम में माहौल कभी इस तरह हो रहा है, कभी इंडियन फैंस को समझ आ रही है नहीं आ रही, पाकिस्तान फैंस को समझ आ रही है, कर करा के हम एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे मैंने कहा हम जीत रहे हैं, जहाँ पे मैंने कहा हम तो पक्का ये गेम जीत रहे हैं। आखिरी ओवर में 16 रन, ओ भाई उसको छोड़ो जो कोहली भाई ने हारिस रऊफ को यार मार दिए यार 2 छक्के, वहां पे गेम बड़ी चेंज हो गई। खैर आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे, मैं कहा अभी भी हम जीत सकते हैं, लेकिन वो फिर आगे कंट्रोवर्शियल नो बॉल, फ्री हिट, 3 रन, छक्का, ओए ओए ओए, मैंने कहा यार ये क्या हुआ है, लिटरली दिस वॉज लाइक जहाज में टर्बुलेंस नहीं होती, ये हो रहा था स्टेडियम में, मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है, बट MCG का क्या माहौल है, कर कर आगे गेम हमारे हाथ से निकल गई, लेकिन यार क्या क्या गेम हुई थी, क्या गेम हुई थी, सुपर ओवर हो जाता तो कमाल ही हो जाता, लेकिन ये आखिरी ओवर पे समझ नहीं आई। देखो गिव क्रेडिट वेयर ड्यू, कोहली बहुत प्रेशर में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, प्रेशर में उनको खेलने आता है ये गेम, मुझे लगा ये हमारी गेम थी, हम ऑलमोस्ट ये गेम जीत चुके थे, लेकिन ये हुआ क्या। खैर मैं हमेशा होप की बात करता हूँ, मैं अभी भी कहता हूँ आई थिंक कि हमारे बॉयज कमबैक कर सकते हैं, ऐसा बड़ी दफा हुआ है कि पहले मैच 92 में भी शुरू में हमारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, वहां से हमारी टीम वापस आई और उन्होंने गेम उठा दी। मैं अभी भी अपने बॉयज को कहता हूँ कि आपने मोराल नहीं डाउन करना, कॉन्फिडेंस अपना डाउन नहीं करना, रन रेट ठीक है, इतना बुरा नहीं जा रहा, हमने अगर अभी बाकी सारी गेमें हम जीत गए तो हम सेमीफाइनल तक पहुंच सकते हैं और उसके बाद हम फाइनल में ये गेम भी जीत सकते हैं। तो भाई रिजवान भाई आप वापस फॉर्म में आ जाओ, बाबर भाई मतलब यार ताड़ी मेहरबानी तुम्हारे वास्ते, दुआवां कर रहे हैं। दूसरा आई एम हैप्पी कि वो इंडियन पाकिस्तानी फैंस के बीच में एक अच्छा प्यार मोहब्बत की एक फीलिंग थी, मुझे जितने इंडियन फैंस मिले बड़े प्यार से मिले, मैं जिनसे मिला बड़े प्यार से मिला। मैं हमेशा कहता हूँ क्रिकेट हैज़ टू बी यूज्ड एज अ मीडियम टू ब्रिंग पीपल टुगेदर, आप लोगों ने कभी भी एनिमोसिटी क्रिएट करने की कोशिश नहीं करनी, कभी भी बिलो द बेल्ट कोई बात नहीं करनी, कोई गाली नहीं देनी, अपनी जीत को सेलिब्रेट करने में अगले को नीचा दिखाने की आपको जरूरत नहीं है। दिस गोज बोथ वेज, पाकिस्तान एंड इंडिया, आप जीते हो आप सेलिब्रेट करो, आप हारे हो ठीक है कोई बात नहीं, यू लर्न फ्रॉम इट एंड यू मूव फॉरवर्ड, बट
एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट रहना चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट का बिटवीन द टू कंट्रीज, एंड आई एम ऑल अबाउट प्रमोटिंग पीस. दैट इज व्हाट आई डू. आई वांट पीस बिटवीन द टू कंट्रीज. आई वांट पीस बिटवीन ह्यूमंस. एंड इफ यू नो और यू डोंट नो, आई डू अ मास्टर्स इन ग्लोबल लीडरशिप एंड पीस बिल्डिंग. खैर यार इतना आए कोई गल नहीं यार, असि जीत जाते तो अच्छा होता, लेकिन यार देर आर थिंग्स वी नीड टू लर्न कि आखिरी ओवर अगर हम एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाते तो हम बेहतर पोजिशन में होते. अब जो हो गया सो हो गया, बट अगेन एज आई सेड देर इज अ लॉट टू लर्न, अ लॉट टू रिफ्लेक्ट एज टू वॉट कुड हैव बीन डन डिफरेंटली, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हम गेम जीत चुके हुए थे. बट एट द एंड ऑफ द डे मैं कोहली को अप्रिशिएट करना चाहूंगा, कहाँ से कोहली गेम लेकर गया, खुद कह दिया कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स ऑफ माई लाइफ, विच आई एम श्योर इट इज. तो खैर यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. एंड मेरे पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं, दोस्त, उनको मैं कहना चाहूंगा आपने टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह अगला मैच हम जीतेंगे, उसके अगला मैच भी हम जीतेंगे, एंड देन वी विल कम बैक. उसके अलावा मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, आप स्टेडियम आते हैं, इतनी इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है आपकी, इतनी आप एनर्जी लगाते हैं, तो आप खुल के सेलिब्रेट करें. हर किसी का अपना तरीका है सेलिब्रेट करने का. अक्सर मुझे लोग कह देते हैं यार तुम किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हो. देखो ये मेरा तरीका है टू सेलिब्रेट, एंड आई डोंट हर्ट एनीवन, आई डोंट मेक जोक्स ऑन द बेसिस ऑफ समवन्स रिलीजन, जेंडर बेस, एथनिसिटी. मैं कोई मिसोजिनिस्टिक जोक्स नहीं करता, मैं बस सेलिब्रेट कर रहा हूँ ना. मैं अपनी टीम के लिए जब वो जीतते हैं तो बहुत खुश भी होता हूँ, अगर हारते हैं तो मैं दुखी भी हो जाता हूँ. तो भाई मुझे अपने तरीके आप सेलिब्रेट करने दो, आप अपने तरीके सेलिब्रेट करो. अगर आपकी रियलिटी में कोई फिट इन नहीं करता तो इसका ये मतलब नहीं वो गलत है कि नहीं. बस बाकी दुआओं में याद रखना, मेरे जिगर का जुबा पे स्वाद रखना, दुआ करना कि पाकिस्तानी टीम आगे के सारे मैच जीत जाए, और जो जो हमसे अगर गलतियां हो गई हम उनसे सीखे और उनको बेहतर करें. और इंडिया की टीम भी अगर बेहतर खेलती रहती है तो मुझे तो लगता है कि सेमीफाइनल तक जा रहे हैं, तो सेमीफाइनल फाइनल में हमारी इनसे मुलाकात हो और हाला ला 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 मज़ेदार गेम हो, लेकिन हम उनसे जीत जाएं, क्योंकि हम जीत सकते हैं, हमारे बॉयज में टैलेंट है. बस ये आज क्या हुआ मुझे समझ नहीं आई, हम तो जीत गए थे यार, ये कैसे हो सकता है. अब 5:30 बज के मैं कैसे सोऊंगा, आप लोग मुझे बता दें मैं कैसे सोऊंगा. इस तरह के मैच के बाद कैसे नींद आएगी, कोई नींद की गोली खाऊं, कोई क्या, कोई अपने ऊपर दुआएं पढ़ के फूकूं, को पानी पीऊं, मैं क्या करूं यार. या मैं बोलता रहूं, या मैं इसी व्लॉग में बोलता रहूं, आपसे बात करता रहूं, लेकिन यार जो भी है ना, एमसीजी इतना बड़ा है, ऐसे इतने को लाख बंदा बैठे हुए इसलिए तो यहाँ पे जलसे होने चाहिए, एमसीजी में जलसे होने चाहिए. क्रिकेट मैच है, हम ही खिला रहे, एडा बड़ा स्टेडियम यार. देखो ऊपर से बादल आंदे ने जाते ने, इतने बादल भी फ्रॉड कर रहे ने. बादल से मुझे बादल मूवी याद आ गई, बॉबी देओल की बादल मूवी थी. मैं वही सोच रहा था कि यार वो बॉबी भाई एक की बादल मूवी थी किधर. अब ये दो टाइम पे बादल्स का जिक्र हुआ है, बॉबी भाई के टाइम पे और रबी के टाइम पे. लेकिन रेडी हो जाए, आगे हमारे पर्थ में 2 मैच है, फिर हमारा सिडनी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच है, उसके बाद हमने इंशाल्लाह सेमीफाइनल खेलना है. अपनी टीम को सपोर्ट करते रहे, होप इज एवरीथिंग, वी ब्लीड ग्रीन, वी आर देयर फॉर यू, वी विल बी देयर फॉर यू, बट वी वॉन्ट यू टू इम्प्रूव एंड वी वॉन्ट यू टू गिव योर बेस्ट, एंड इन द नेक्स्ट गेम वी वॉन्ट यू टू विन, बिकॉज वेन यू विन वी फील गुड, वन वी फील गुड we feel good, and when we feel good we feel good. Dua mein yaad rakhna, mere zikr ka subah pe swaad rakhna. Assalamu alaikum.